नमस्कार। डेट है आज की 3 जुलाई 2022, और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। ये पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल, तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कुछ ईडियम्स दिए गए हैं आपके पास, ईडियम्स का मतलब बताना है। 40 विंक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है रेज सम हैकल्स। तो रेज सम हैकल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एनॉय। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, बोलते हैं थ्रो इन द टावल। तो थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गिव अप। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 to 6, आपको क्या करना है? सैनोनियम बताने हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग जो है वो इनके बताने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है शॉकड। शॉकड का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? इसका सिमिलर मीनिंग होता है अपॉल्ड जो है इसका सही होगा। अपॉल्ड ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है शॉकड का। आगे दिया गया है डिटेक्टिक। तो डिटेक्टिक का सही क्या होगा? इसका सही होगा एन लाइटनिंग जो है इसका सही होगा एन लाइटनिंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे दिया गया है सुपीरियस। तो सुपीरियस का क्या होगा? इसका होगा काउंटर फीट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे कुछ आपको एंटोनियम बताने हैं, मतलब अपोजिट मीनिंग जो है वो बताने हैं इनके। ये दिया गया है सबसे पहले पेंडीमोनियम। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, पीस जो है इसका सही होगा। आगे मॉडेस्टी दिया गया है। मॉडेस्टी का अगर आप देखेंगे कि इसका एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या होता है, तो मॉडेस्टी का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है आपके पास ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ग्रैंजर जो है इसका सही होगा ग्रैंजर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे दिया गया है कॉन्साइज। तो कॉन्साइज का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी लेंथी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। बोलते हैं वी मस्ट नॉट साई टेकिंग रिस्क इन लाइफ। टेकिंग अवे फ्रॉम होगा ऑप्शन सी सही आंसर है। टेकिंग नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्क इन लाइफ ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। बोलते हैं ड्यू टू हर इलनेस सी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम होगा ऑप्शन डी ऑन इसका सही आंसर है। आगे 12 में होगा द पुलिस वॉज डायरेक्टेड टू हिज बिजनेस डीलिंग डायरेक्टेड टू इसका होगा लुक इन टू ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे है 13। तो 13 में होगा डिस्पाइट द इंजरीज नीरिज मैनेज्ड टू पुल आउट होगा ऑप्शन ए पुल आउट द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे दिया गया है आपके पास 14 क्वेश्चन। बोलते हैं यहाँ पर क्या करना है? एक्टिव पैसिव वॉइस जो है दिया गया है। ये बोलते हैं आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो बोलते हैं इसका होगा आई रिमेंबर बींग टेकन टू द म्यूजियम बाई माई सिस्टर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 15 to 16 क्या करना है आपको? इनडायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको करना है। आगे 15 में बोलते हैं आई आस्क माई सिस्टर इफ शी हैड रिटर्न द मोबाइल फोन टू हर फ्रेंड। तो इसका होगा आई सेड टू माई सिस्टर हैव यू रिटर्न द मोबाइल फोन टू योर फ्रेंड। रिटर्न होगा इसमें, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे दिया गया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलते हैं वेयर विल यू बी टुमारो सी सेड इन केस आई हैव टू कॉल यू। तो इसका क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन के आप सही आंसर की आप बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा सी आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस सी हैड टू कॉल हिम। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए आगे हिंदी का सेक्शन चलता है। बोलते हैं जिसे वर्षवती बनाना कठिन हो उसे दुधर्स कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। जो किसी पर अभियोग लगा लाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वादी कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिरछा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सांझ और रात के बीच का समय उसको गोधुली कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये मैंने हिंदी के सेक्शन में एक बार डिस्कस भी किया था गोधुली। और आगे बोलते हैं जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। अविभाज्य ऑप्शन बी सही आंसर है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे 23 में बोलते हैं विनय पूर्वक किया गया हट है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मन को लुभाने वाला मनोहर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे है जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुभूत कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। 26 में बोलते हैं 3 माह में एक बार होने वाला उसे त्रैमासिक कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे 27 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो इसका व्यवहार और अलंकारिक आएगा। ऑप्शन सी व्यवहार और अलंकारिक आएगा। उसी तरह 28 में बोलते हैं मुहावरे का अर्थ बताना है चादर के बाहर बाहर पैर पसारना। तो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, मतलब क्षमता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
आगे फिर से फीलिंग, फिर से आपको खालिस्तान भरने हैं तो इसमें होगा विडंबना और आशंका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मुहावरा दिया गया है, फिर से बोलते हैं, आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे दिया गया है कि कौन सा शब्द जो है कांति का पर्यायवाची नहीं है, तो कांति के पर्यायवाची की बात करेंगे कि कांति का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसके पर्यायवाची की बात करेंगे, आभा तो इसका पर्यायवाची होता है, आलोक भी इसका पर्यायवाची होता है, द्युति भी इसका पर्यायवाची होता है, परंतु समृद्धि इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 32 में इसी तरह बोलते हैं कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, इसका पर्यायवाची होता है दहन, इसका पर्यायवाची होता है वैश्यानर, भी इसका पर्यायवाची होता है वैश्यानर, और जलन इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम जीके का डिस्कस करेंगे फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलते हैं द अर्थ एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाय, तो बोलते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो मुख्यतः किससे, किसके द्वारा गर्म किया जाता है, तो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होती हैं उनसे किया जाता है, ऑप्शन बी लंबी तरंग स्थलीय विकिरण जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं नगन बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको इसको जो वर्गीकृत किया जाता है वो गाइनोस्पर्म्स के रूप में किया जाता है, जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जिम्नोस्पर्म्स आप कह सकते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। 43 में देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, तो इनमें से कौन सी कोशिकांग जो है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती, ऑप्शन बी सही आंसर है। स्टार ट्विंकल किस कारण होते हैं रात को, मैंने अभी जो मैंने वीडियो डिस्कस की थी ना 2-3 दिन पहले, उसी में मैंने आपको बताया था ये स्टार ट्विंकलिंग का, तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन इसका सही आंसर होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन एटमोस्फेरिक फ्लक्चुएट्स। तो एक क्वेश्चन तो वहाँ से ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि किंग ऑफ केमिकल किसको कहते हैं, शायद हमने उससे पहले की साइंस की वीडियो में डिस्कस किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारी वीडियो से आया था। तीसरा क्वेश्चन विनेगर हमने लास्ट टाइम अभी कल परसों 4-5 दिन पहले डिस्कस किया था कि एसिटिक एसिड को कहते हैं, ये भी सही आंसर है, ऑप्शन डी विनेगर इज ट्रेड नेम ऑफ एसिडिक एसिड, ये क्वेश्चन भी वीडियो से डिराइव होता है। वाटर प्लांट इज वाटर इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेड बाय, तो जाइलम से जो है ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है, एलाइड सर्फिस में पूछा गया है पहले भी। 48 में बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो टेक प्लेस होती हैं वो होती हैं एल्वियोली में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो 20 मिनट की एक वीडियो थी, 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए, तो कितना बेनिफिट आपको होता है अगर आप रेगुलरली जो है वो वीडियोज़ को देखते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि साइंस की वीडियो जो है वो काइंडली बनाई जाए, तभी साइंस की वीडियो बनाई गई थी, और देखो काफ़ी बेनिफिट जो है वहाँ से उन लोगों को हुआ होगा। 49 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, तो इसमें केरला ने टॉप किया है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे कुछ कोड दिया गया है, बोलते हैं ये किसके द्वारा कहा गया था, ये किसके विचार थे, ये BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार थे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सा क्वेश्चन था कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वो किस किस का होता है, तो इसमें एक तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसमें जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जैसे कि अभी हमारे हिमाचल के विधायक जो थे उनकी एक मीटिंग की गई तो प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बस तो यही होगा पहला और दूसरा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे 52 में बोलते हैं द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है वेस्टर्न ट्रैगोपैन हिमाचल का स्टेट बर्ड है। 53 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मैंने बहुत बार बताया है जब हमने पॉलिटी पढ़ी है कि डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन होते हैं उनकी डेट फिक्स की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये क्वेश्चन भी वहाँ से डिराइव होता है, अगर डेली किसी ने वीडियोज देखी थी। आगे बोलते हैं कॉल डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो कॉल डैम आपको पता है सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक क्वेश्चन था। अगला 55 क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए कि पूछते हैं कॉटन ट्रेडिशनली किस सॉइल पर उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है ब्लैक सॉइल पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ब्लैक सॉइल सही आंसर है। आगे है करंट अफेयर का क्वेश्चन, बोलते हैं द फर्स्ट 5G कॉल इन इंडिया वॉज रिसेंटली टेस्टेड एट, तो पहली जो 5G कॉल थी उसका परीक्षण कहाँ पर किया गया था, उसका IIT मद्रास में किया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @ALLEXAM31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा।
काफी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। 19,800 900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। आगे बोलते हैं, विच इज एम्ड एट बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब दैट पुट्स यूजर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा एंड आइडेंटिटी। तो वेब 5.0 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं, व्हाट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन एज ऑफ प्राशर लेक। प्राशर लेक जो प्राशर लेक के किनारे जो मंदिर की स्थापना की गई है वो पैगोडा स्टाइल में की गई है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो मैंने बहुत बार बताया है क्रिप्स मिशन के बारे में, हमने बहुत बार पढ़ा है क्रिप्स मिशन के बारे में। 1942 जो है वो इसका सही आंसर। मैंने बहुत बार पूछता भी हूँ तो बहुत सारे लोग सही आंसर कमेंट करके बताते भी हैं, तो वहाँ से भी रिवाइज एक हो जाता है। आगे बोलते हैं कि ये नवतेज सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था ये किससे संबंधित था, तो ये सेक्शन 377 ऑफ IPC से जो था वो जुड़ा हुआ था, संबंधित था, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 61 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज ऑथर्ड बाई महात्मा गांधी। तो मैंने हिस्ट्री का सेक्शन कल परसों डिस्कस किया था, उसमें महात्मा गांधी की सारी बुक्स बताई थी, तो हिंद स्वराज इनकी किताब है, ऑप्शन सी सही आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी नहीं है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ भी नहीं है, माई ट्रूथ भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं, पुलिस कमेमोरेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डे था, अब किसी ने पढ़ा होगा तो सही कर दिया होगा, अदरवाइज से तुक्के की बात थी। अक्टूबर 21 को जो है ये पुलिस स्मृति दिवस जो है वो मनाया जाता है, पुलिस कमेमोरेशन डे जो है वो मनाया जाता है। 63 में पूछते हैं, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो हमने बहुत बार क्यूज के रूप में टेलीग्राम पर डाला है, फिर टेलीग्राम के अलावा हमने ये क्वेश्चन बहुत बार यूट्यूब पर भी डाला है कि बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, तो लाहौल को स्पीति से आपको पता है कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रा आपका जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ये लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया आपके पास। अभी बच जाता है आपका मैथ का सेक्शन और आपका रीजनिंग का जो सेक्शन था, तो इनको हम बाद में चलकर डिस्कस कर लेंगे कभी, फिलहाल हमने जो इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया, होपफुली आपको हेल्प मिली होगी। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको लगता है कि करेक्शन हो सकती है तो जनरली चेक करके कमेंट बताइएगा, ऐसे एक अनमेच्योर सा कमेंट मत कीजिएगा बिना चेक किए, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो किसी को अपने कमेंट से कन्फ्यूजन में भी मत डालिएगा और अपना कन्फ्यूजन भी दूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, अगर टेलीग्राम पर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, इट वेरी पेशेंसली।